वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बीएड पात्रता विवाद का फाइनल जजमेंट था वो रिलीज कर दिया गया है और कहीं ना कहीं जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो ये काफी बड़ा झटका हो सकता है बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा। यहाँ पर जो राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट का डिसीजन था उसी को सही मान लिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और आपको मैंने पहले बताया था कि कानूनी दांवपेच से कहीं ना कहीं जो डीएलएड है बीटीसी है उसका पक्ष मजबूत है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि राजस्थान की जो शिक्षक भर्ती रीट लेवल 1 है वहां पर स्टे दीजिए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर स्टे नहीं दिया था। और कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जहन में ये चल रहा था कि प्राथमिक स्तर पर सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी का ही कब्जा होना चाहिए। इस संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आप डिलीवर्ड किया गया है ऑर्डर वो देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को खारिज कर दिया है और बीएसटीसी डीएलएड की जीत की गई है। भारत सरकार बीएड और एनसीटी की जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया है माननीय सुप्रीम कोर्ट। सुधांशु धूलिया जी के द्वारा जो ये जजमेंट है वो रिलीज किया गया है। यहां पर पूर्व की भर्तियों में भी बात की गई है कि जो पूर्व की भर्तियां हो चुकी हैं, बात करें उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती की जिसमें बीएड को एलिजिबल किया गया था, तो उस भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां पर लिखा हुआ है पूर्व की भर्तियों में चयनितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे आने वाली जितनी भर्तियां होंगी 1-5 यानी कि प्राइमरी की, उनमें सिर्फ 2 वर्षीय पाठ्यक्रम बीटीसी डीएलएड डीएड बीएलएड इसी तरीके के कोर्सों को केवल पात्र किया गया है। जो गजट था एनसीटी का 28 जून 2018 को 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ जो एलिजिबल किया गया था बीएड को प्राथमिक में, पूरी तरीके से निराधार कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। प्राथमिक स्तर से बीएड को पूरी तरीके से समाप्त किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन होगा पूरे भारत के समस्त प्रदेश की शिक्षक भर्ती पे लागू होगा। बात करें बिहार की जो शिक्षक भर्ती होने जा रही थी, निश्चित तौर पर अब वहां से बीएड को झटका लगा है और जिन जिन स्टेटों में भर्तियां हो चुकी हैं जहां पर भी मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट अधीन था, निश्चित तौर पर वो सारी भर्तियां अब प्रभावित होना तय हैं, क्योंकि बीटीसी की जीत की गई है प्राथमिक स्तर पर। जैसे ही इसका डिटेल्ड ऑर्डर हॉट कॉपी में आएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पूरी तरीके से आपको हम जजमेंट को हॉट कॉपी में लाएंगे और एक एक जो लाइन है आपकी उसको समझाते हुए बताएंगे कि क्या कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। लेकिन प्राथमिक स्तर से बीएड का जो सूपड़ा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।